हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्मार्ट न्यूज़ चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपडेट के बारे में, और ये अपडेट है आपकी लोकल ट्रेन से जुड़ी हुई। बीएमसी ने एक नया नोटिस जारी किया है और इसमें बताया है कि क्या नया फ्रेश गाइडलाइंस है लोकल में सफ़र करने को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन लगाया जा चुका है, कई जगहों पर लग चुका है। इवन मुंबई में भी 1306 इमारतें जो है सील कर दी गई हैं। कोरोना के नए मामलों को देखते हुए 71,000 से ज़्यादा परिवार लॉकडाउन में चले गए। तो इन तमाम चीज़ों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर कि अब आपको लोकल में सफ़र करने के लिए कौन से नए नियम और किन लोगों को, जी हाँ, सुबह सफ़र करने की अनुमति दे दी जाएगी लोकल में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मुंबई लोकल ट्रेन लेटेस्ट अपडेट, बीएमसी इश्यूज फ्रेश गाइडलाइंस, हियर्स ऑल ऑफ यू शुड नो। जी हाँ, बीएमसी ने नया गाइडलाइन जारी कर दिया, उसी के बारे में हम चर्चा करें इस वीडियो के अंदर। इसलिए मैंने आपको खुद के साथ दिखाया कि आर्टिकल भी आया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बीएमसी की तरफ से सबसे जो नोटिस आई है पहली गाइडलाइंस की, अब आपको सख्त नियमों के साथ रहना होगा। जी हाँ, 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है उसे लगा दिया गया है। 14 दिन, यानी कि कहीं किसी को भी अगर कोरोना का पॉजिटिव या उसके नियर बाय कोई पाया जाता है तो उसे 14 दिन का क्वारंटाइन रखा जाएगा अब। और दूसरी तरफ ये कि आप लोकल में आप सफ़र करते हुए अगर पकड़े जाते हैं बिना मास्क, फेस मास्क के, और तब उसके बाद आपके ऊपर फाइन अब नहीं लगेगा, सीधा आपके ऊपर जो है, जी हाँ दोस्तों, जुर्माना तो आपको भरना होगा वो अलग बात है, लेकिन अब सीधा आपको जो है सज़ा होगी। यानी मेन जो मुद्दे की बात है कि अब आपको सज़ा हो सकती है। तो इस बात से आप सावधान रहिए कि आप जुर्माना भर के छूट सकते हैं 500, 600, 1000, जो भी आप देके निकल सकते हैं वो आप बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि कोरोना वायरस जो महामारी है वो एक इंसान से जो है सैकड़ों में फैल सकती है। और इसको देखते हुए सरकार ने कुछ कठोर नियम लगा दिए हैं कि अब से आपको लोकल में सफ़र करने से पहले इन तमाम चीज़ों को जो है ध्यान देना होगा कि आपके चेहरे पर फेस मास्क होना ज़रूरी है, और किसी के भी चेहरे पर अगर फेस मास्क नहीं हुआ और उसे पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। दूसरी तरफ आप बात करें आम जनता को लोकल में सुबह सफ़र करने के लिए, तो जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत चल रही है। और आज यानी कि आज 21 तारीख को, वैसे 20 तारीख को ही जो है बात की गई थी कि 20 को मीटिंग हो सकती थी, लेकिन आज जो है 21 तारीख को मीटिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, शाम तक जो है आपके उसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट आ चुका होगा कि इस मीटिंग में क्या नतीजे निकल कर सामने आए। जी हाँ, आम जनता की जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोकल में उन्हें सुबह 7 से लेकर 11 बजे के भीतर सफ़र करने की अनुमति दी जाए ताकि आम जनता भी काम पर अपने लौट सके, क्योंकि पेट्रोल्स के दाम बढ़ने के बाद काफ़ी लोग जो है किराया महंगा हो चुका है जो ट्रांसपोर्ट का था, इसकी वजह से सभी लोग लोकल का जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं। और लोकल एक ऐसा है जो किफ़ायती है, लेकिन फिर भी लोकल में जो है अभी पाबंदियाँ लगी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने, जी हाँ, द रिव्यू फॉर सिचुएशन ऑन February 20 और 21st, तो आज ही है। जी हाँ दोस्तों, रिव्यू की जो मीटिंग होगी आज होगी कि क्या कोरोना वायरस के जो केसेस निकल कर आए उसमें लोकल का कितना योगदान रहा, कि वाकई में ये सिर्फ अफवाह है, लोकल से कोरोना नहीं बढ़ता। जी हाँ, क्योंकि बहुत से जो यात्रीगण हैं उनको मानना है कि बीएसटी की बसों में भी हज़ारों की भीड़ होती है, लेकिन वहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि वहाँ पर भी कोरोना बढ़ सकता है, सिर्फ लोकल पर ही क्यों। तो फिलहाल आज इस पर मीटिंग होगी, 4 बजे के बाद हम जो इसके ऊपर आपको एक ऑफिशियल अपडेट दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो निकल कर आएगी उस मीटिंग में कि क्या आपको सुबह 7 से 11 के भीतर अनुमति मिल गई, और मिली तो कितने तारीख से मिली, यानी कि 26 तारीख से, 25 तारीख से, 28 तारीख से, कब से आपको अनुमति दे दी जाएगी। तो आज की इस मीटिंग का नतीजा शाम तक आएगा, हम शाम को आपको जरूर दूसरे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।